हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद रॉय। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हाल के दिनों में आपकी कंपनी चर्चा में थी, जिसमें कहा गया कि ग्रुप इंश्योरेंस के अगर आप इलाज करवाते हैं तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है उसमें क्लेम नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ गया, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है, क्या पॉलिसी है जो आपने नियम अपनाया है? पहले तो अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि पॉलिसी सर्विसिंग सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में होगी। जिस कॉन्ट्रैक्ट में वे कंडीशन नहीं है, वहाँ पे पूरा किसी भी हॉस्पिटल में लोग जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में ये कंडीशन था। हमने ये कंडीशन बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, तो हम चाहते नहीं थे कि कस्टमर्स को दिक्कत पहुँचे। लेकिन कोविड के रिलैक्स होने के बाद हमने सोचा कि इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में हम देख रहे थे कि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्लेम्स बहुत ज़्यादा, जो बिलिंग हो रही थी वो कंडीशंस के बहुत ही अलावा थे, और इसमें दिक्कत है दोनों पार्टीज़ की। पहले तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हम हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो है, जो कस्टमर है, उनके लिए भी ये सही नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम तो वो पे कर रहे हैं, अगले साल क्लेम रेशियो बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि उनके बेनिफिट में ये हमें करना होगा, और उनको हमने नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडवाइस करिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाए, इमरजेंसी होने पे आप कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि कोई मेटर्निटी का क्लेम है या एक्सीडेंट का क्लेम है, कोई भी इमरजेंसी क्लेम है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वो नॉन नेटवर्क होने पे भी। यानी आपका कहना है सर कि मिसयूज़ हो रहा था और आप अपने लॉस रेशियोज़ को कम करने के लिए ये कदम आपने उठाया गया? हाँ, मिसयूज़ हो रहा था और लॉस रेशियो दोनों को, और कस्टमर के बेनिफिट में हमने ये किया है। जी सर। सर, हम अगर हम बात करें कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ा है, क्योंकि आम लोग भी देखते हैं कि जो पहले इलाज के लिए जाते थे या फिर ओपीडी खर्च के लिए भी जो जाते थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आप एक डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो आपने जो अपना रिसर्च किया वहाँ पर कितनी जो है मेडिकल इन्फ्लेशन जो है, हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह, उसमें बढ़ोतरी हुई है? तो मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कंज्यूमेबल कवर है, बहुत सारे प्रोटेक्शन, आरटीपीसीआर टेस्टिंग है, तो इसके कारण हर एक बिल्स पे काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि आगे चल के ये फिर से रेगुलराइज हो जाएगा, और हमारी कंपनी, जैसे आपने बताया, हमारे 12,000 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, हम इनके साथ बात कर रहे हैं कि ताकि ये कोविड के पहले जैसे सिचुएशन था उस लेवल पे आ जाए, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं सर। तो लेकिन तो भी जो आपने सर जो कैलकुलेशन किया होगा, तो कितने परसेंटेज टर्म में पिछले 1 साल में बढ़ोतरी हुई है? तो जनरली मेडिकल इन्फ्लेशन हम देखते हैं कि सालों साल 5-8% तक होता है नॉर्मल टाइम पे। कोविड के टाइम पे ये 15% तक पहुंच गया था बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो हमारा मानना है कि आगे चल के ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, वापस से जो दरें हैं वो कोविड के पहले के स्तर तक पहुंचेगी? वो पहुंचेगी, यस। ठीक है सर। एक चीज़ और सर मैं आपसे समझना चाहता था कि जिस तरह से आप स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैं, और हमने देखा भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, तो कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं या जो ऑफरिंग्स हैं जो कंपनियों के द्वारा दी जा रही है, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेने में आकर्षित कर रही है? तो मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, हमारी कंपनी स्टार हेल्थ, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़ हैं, हमारा मानना है कि हर एक कस्टमर के लिए हमें प्रोडक्ट दिलवाना चाहिए। ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं होना चाहिए जिसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बेनिफिट ना मिल पाए। स्पेशली कोविड के बाद रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ बन गया है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सारे डिजीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, हमारे बहुत सारे हैं जिनके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, कार्डियक पेशेंट हैं या फिर कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, कोई 50-75 साल का उम्र का भी है तो वी आर एबल टू गिव देम कवरेज, और यंगस्टर्स के लिए पॉलिसीज तो है ही है। और अभी हमने एक रूरल वर्टिकल भी शुरू किया है, तो हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे सर्विसेज सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं बल्कि सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में भी अवेलेबल होंगे। तो ऐसे चल के हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन हैं उसको हम कवर कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले पाएँ। सर, हेल्थ इंश्योरेंस में एक डिट्रेंट हमेशा आता है कि GST जो है वो 18% तक है, तो वहाँ पे क्या आप लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया गया, और आपको कितना लगता है कि GST कम होना चाहिए?
देखिए 18% GST डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना सबकी जिम्मेवारी है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज की नहीं। तो 18% GST को कम करके यदि 5% पे लेके आए तो ये काफ़ी बेनिफिट होगा पूरे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 18% GST लग्जरी आइटम्स के लिए लगाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट अ लग्जरी आइटम एनी मोर, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कभी ना कभी इसके बारे में सोचेगी और ये हमें मदद मिलेगी काफ़ी। और सर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात की जाती है, तो एज अ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर आपका उसमें क्या मत है? क्या इसमें ये संभव किया जा सकता है सभी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना, या फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती? देखिए स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है जो IRDA ने लॉन्च इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल, और सभी कंपनीज ये प्रोडक्ट ऑफर करती हैं। तो इसमें बहुत स्टैंडर्डाइज बेनिफिट्स हैं, वेदर इट इज़ वेटिंग पीरियड या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या फिर डेफिनेशंस। लेकिन हेल्थ ऐसा है ना कि सबका हेल्थ अलग अलग होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह स्टैंडर्डाइज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर एक किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, हर एक किस्म के डिजीजेज हैं। तो आई थिंक जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उनको यदि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेना है तो ये आरोग्य संजीवनी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है उनके लिए। और बाकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, जिनके कोई डायबिटिक है, किसी का हार्ट का डिजीज़ है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स ही चलेंगे और वो हमारे साथ भी उपलब्ध है। आखिरी सवाल होगा सर, आप अब जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं तो क्या इस साल के अंत तक के क्या टारगेट है, और अगले साल कितनी ग्रोथ हम देख सकते हैं जो आप एनविसाज कर रहे हैं? हमारा जो फोकस एरिया है वो है रिटेल एजेंसी। हम एजेंसी के थ्रू अपना रिटेल चैनल्स डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे 5.5 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे कंपनी के साथ। तो उस पर हम इस साल ऑलमोस्ट हमारे टारगेट इस साल है कि 11,500 करोड़ का हमारा टॉप लाइन टारगेट होगा, और अगले साल भी हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो करें। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी 17% ग्रो कर रही है इस साल, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हमारे पूरे इंडस्ट्री में, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो मैं चाहूँगा कि हमारी कंपनी इससे ज़्यादा फास्ट ग्रो करे, लेकिन एक नंबर मैं देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारे एफर्ट्स रहेंगे कि इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो कर पाए। आखिरी सवाल सर, क्या कोई छोटी जो कंपनी है उनके एक्विजिशन का भी प्रस्ताव रहेगा, उसके बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं, हम उसके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुद से ग्रो करें और ऑर्गेनिक ग्रोथ रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।